हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वोटों के लिहाज से दिल्ली चुनाव में सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाले संजीव झा भी विधायक दल की बैठक में पहुंचे हैं। बैठक में जाने से पहले उन्होंने एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह से बात की, सुनिए क्या कुछ कहना है। प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को मिला और सबसे ज्यादा अंतर से सबसे बड़ी जीत जिन्होंने हासिल की है संजीव झा, बुराड़ी से विधायक। आप फिर से विधायक तो बन रहे हैं, लेकिन इस बार जो जीत का अंतर है, आपने रिकॉर्ड स्थापित कर दिया, सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली आपने। ये मैंने नहीं, हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने मिलकर के किया है। मुझे लगता है कि एक तरफ देश के तमाम बड़े बड़े नेता, चाहे वो गृह मंत्री हों, कई प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, कैबिनेट मिनिस्टर हों, सांसद हों, विधायक हों, सैकड़ों की फौज के साथ बुराड़ी के चप्पे चप्पे पर थे, तब कार्यकर्ता चप्पे चप्पे पर खड़ी थी। तो कार्यकर्ता और जनता ने बताया कि हम विकास के साथ हैं, 5 सालों के काम के साथ है, और ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। तो ये जीत और ये रिकॉर्ड दोनों अपने कार्यकर्ता और जनता को समर्पित है। अपने जनता को आप धन्यवाद दे रहे हैं, अपने नेता को भी धन्यवाद देने पहुंचे, विधायक दल की बैठक भी है आज। बिल्कुल, देखिए उनका नेतृत्व चुनाव लड़ा गया है और मुझे लगता है कि पूरे चुनाव अरविंद केजरीवाल के प्रति विश्वास जनता ने दिखाया है। तो सबसे बड़ा आभार तो अपने नेता को है ही, साथ में तमाम जनता जो अरविंद जी की बातों को लेकर लोगों तक गए, तमाम कार्यकर्ता, उनको भी धन्यवाद देता करता हूं मैं। इस बार हनुमान जी का जिक्र खूब उठा और कल मुख्यमंत्री भी रिजल्ट आने के बाद हनुमान जी के दर्शन करने गए, आपने भी हनुमान चालीसा पढ़ी या दर्शन करने गए? नहीं, मैं तो रोज आता हूँ, हर मंगलवार हर शनिवार को जाता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए आस्था का विषय है। हम तो पूरा लाल हमेशा पिछले ये आपका लिबास हमेशा से लाल साल हो गए हमें ये पहनते हुए, क्योंकि पर ये हमारा धंधा नहीं है कि इसको हम दिखाएं कि हम क्यों पहनते हैं। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।